हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी या अपने फ्रेंड की कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी या अपने फ्रेंड की कॉल डिटेल्स को निकाल सकते हो, वो भी 5 मिनट में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक कीजिए, और ये जो साथ में बेल का आइकन है इसे भी इनेबल कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी या अपने फ्रेंड की कॉल डिटेल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, जिसका नाम है ई2पीडिया। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहीं से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, या आप प्ले स्टोर में जाके ई2पीडिया सर्च कर सकते हो और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको पहली बार कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको उन परमिशंस को अलाउ करना होगा। परमिशंस अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर तो मैं इस पर अभी क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये ऐड आ गया है, मैं इस ऐड को क्लोज़ कर लेता हूँ। ऐड क्लोज़ करने के बाद आपको मैं यहाँ पर अभी कॉल डिटेल्स दिखाता हूँ कि कैसे आप कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर जनरल कॉल लोगो पे क्लिक कर लेता हूँ, ये जो दूसरा ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेट आ गया है, ये फिर से ऐड आ रहा है, तो इस ऐड को हम क्लोज़ कर लेते हैं। ये फ्री एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पर बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, तो आपको उन एड्स को क्लोज़ करना होगा। जो भी ऐड आएगा आप देख सकते हो यहाँ पर 2018 और 2019, एक साल का यहाँ पर हम कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑनली डायरेक्ट कॉल्स भी रख सकते हो, जो चाहे हो आप यहाँ पर रख सकते हो, या रिसीव्ड कॉल आप जिस तरह की कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो यहाँ पर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी सारी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये डेट रख सकते हो, आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हो, सीधे डेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप डेट चेंज भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे रखना चाहते हो, कितने टाइम की कॉल डिटेल्स आप निकालना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर मार्च 6 से 30 मई तक रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम देना होगा इस पीडीएफ फाइल का, जो आप यहाँ पर कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो इसका नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पर इसका नेम देता हूँ कॉल डिटेल्स। नेम देने के बाद यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स है इस पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड है आपकी नेट स्पीड पे, तो ये उतना ही टाइम लेगा। तो हम तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी कॉल डिटेल्स आ गई हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इस कॉल डिटेल्स को निकाल सकते हो। तो आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा। तो मैं भी फाइल मैनेजर अपना ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा अपने फ़ोन के। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक फोल्डर ढूंढना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ई2पीडिया, इसी फोल्डर में ये है। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नाम रखा था कॉल डिटेल्स, तो मैं इस फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मैंने कॉल की थी वो यहाँ पर आ गई है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर रिसीव्ड कॉल, डायरेक्ट कॉल, और यहाँ पर ड्यूरेशन भी दिखा रहा है कि कितने टाइम तक मैंने कॉल की थी और किस डेट को की थी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नंबर है इस साइड में। तो दोस्तों, ऐसे आप बहुत ही इजी से अपनी या अपने फ्रेंड की कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो।
वो भी PDF फाइल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।